सबसे बड़ा समस्या मैंने बोला कि बांध फ्लड एंड इरोशन है। जब तक के मैंने कहा ये असम के लिए देव बन गया है सभापति जी, जब तक के फ्लड एंड इरोशन नहीं बंद किया जाएगा असम की कोई तरक्की मुमकिन नहीं है। करोड़ हा करोड़ रुपया सालों में इसके अंदर बर्बाद हो जाते हैं, फ्लड बह के सब ले जाता है और बड़े बड़े ऑफिसरों को और मिनिस्टरों को ये करोड़ों रुपया मारने का मौका मिलता है। फ्लड जब आते हैं तो हमारे असम के मिनिस्टर लोग खुश हो जाते हैं, बाहर का प्रोग्राम बनाते हैं, फैमिली को लेके जाने का पैसा निकलेगा क्योंकि जो पैसा मैं दूंगा वो फील्ड में लगना नहीं है क्योंकि कोई उसका प्रूफ नहीं निकाल सकता और वो सारा पैसा उन लोगों के जेब में और ऑफिसरों के जेब में जाएगा। तो इसलिए मैंने सबसे बड़ी समस्या इसको जो है बोला और बोलने के बाद हमारा डिमांड ये था कि इसको वांग नदी को जैसे नेहरू जी ने बंद कराया था उस प्लान के साथ, जब चाइना बंद कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, वाई शुड वी नो। तो इसलिए मेरा ये डिमांड था। मैं इसलिए ये बात इसलिए आज कर रहा हूँ इसलिए कि दो दिन पहले 22 तारीख को हमारे नव निर्वाचित नए इलेक्टेड MP साहब, उन्होंने पहला भाषण दिया, वो आप लोगों को मिल चुका होगा, आपके पास होगा, नहीं तो भेज देंगे। उसमें उन्होंने कैरम बोर्ड को और कैरम गेम को असम का सबसे बड़ा समस्या बताया। धुबड़ी उनके लिए कोई समस्या नहीं है, जिन्होंने 14 लाख उनको वोट दिया, धुबड़ी की कोई समस्या उनके लिए समस्या नहीं है। हाँ, धुबड़ी कोनो समस्या देखे तो कारण समस्या न हो, कैरम बोर्ड सबसे बड़ समस्या। हाँ, ये जो लाख लाख मनोमन निगर इतिहास फ्लाट चलि আছে তেখেত আহিছে নাওত গৈছে টাটা ভাই ভাই দিছে কোনো জায়গাত পাও রাখা নাই। এই মানুহবিলাকৰ কাৰণে তেখেতৰ মনত কি আছে, মনত কোনো হৃদয় নাই, কেনে কোনো দিন এই মানুহবিলাকৰ কাৰণে তেখেতৰ মনত কোনো জায়গা নাছিল। এই কাৰণে কেৰম বৰ্ডৰ কথা মাতি স্পীচ দিছে ফাৰ্ষ্ট, আৰু মই যিটো দিছোঁ ধুবুৰীৰ মানুহৰ কাৰণে দিছোঁ, ধুবুৰীৰ উন্নতিৰ কাৰণে দিছোঁ, ধুবুৰীৰ ফ্লাড ইৰেশ্যনৰ কাৰণে দিছোঁ, ধুবুৰী খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা দিছোঁ, মই ধুবুৰীৰ ৰাস্তা ঘাটৰ কথা দিছোঁ। এতিয়া আমাৰ যিসকল ভাইসকলে 14 লাখ ভোট দিছিল ৰকিবুল হোসেন চাহাবক, এতিয়া ডিচিশ্যন লওক, ফেচলা কৰক, অলপ চুপচাপ থাকি চিন্তা কৰক যে আমি কি কৰিছোঁ, কাক পঠাইছোঁ আৰু কাক বদলিছোঁ। সেইটোৰ কাৰণে সেইটো মই বাৰ বাৰ কৈ আছোঁ, ৰকিবুল হোসেন চাহাবৰ কোনো যাদু নাছিল, ইণ্ডিয়া গঠবন্ধন হাৱা আছিল গোটেই ভাৰতবৰ্ষত, এটা সুনামি আছিল, তুফান আছিল, এই তুফানত মন্দিরও ভাই গৈছে, মসজিদও ভাই গৈছে, এইটোত ময়ো গৈছোঁ, কোনো আপত্তি নাই। পাব্লিক মেণ্ডেটক আমি মাথা নত কৰি মই একচেপ্ট কৰিছোঁ, আই একচেপ্ট দিছ, বাট আগৰ ৰকিবুল হোসেন চাহাব দিল্লী মে যাকে বোলতে আপলোক আজমল চাহাবক চিন্তা হয় হমক নাই চিন্তা হয়, হাম 18 লাখ ভোট লেকে 11 লাখ ভোট লেকে আয়ে, তো কিউ গিয়া আপ হিন্দি ভি নেই বোল সকতা, आप इंग्लिश भी नहीं बोल सकता, आपको दिल्ली में जाने का क्या जरूरत था, आप असम में ही रहते, क्यों आके धुबड़ी वालों के नसीब पे लात मारा आपने। अगर आप गया है तो आप, मेरा ये मैसेज है आपके लिए रकीबुल साहब कि आइंदा जब भी पार्लियामेंट में उठेंगे मेरा 120 स्पीच अगर होगा 15 साल में, कोई स्पीच ऐसा नहीं है जिसमें हमी अहमद डिमांड दिया नहीं, अहमर मत मतीसू, विभिन्न जगार कथा मतीसू, विभिन्न समस्यार कथा मतीसू, আমি চাই ল'ম বাদিনত তেখেত কি কৰে। অ'কে, থেংক ইউ।